बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता और देश छोड़ने के बाद वहां जारी हिंसा के बीच हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी अराजकता और हिंसा के माहौल के बीच कई दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू अल्पसंख्यक और शेख हसीना और मुजीबुर रहमान से जुड़े लोग या उनसे जुड़ी निशानियां हैं। बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चलाने के लिए चुना गया है। बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया जेल से रिहा हो गई हैं। उन्होंने देश भर में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन बांग्लादेश में बेकाबू उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बुधवार को उपद्रवियों ने 24 लोगों को जिंदा जला दिया। वह हिंसक भीड़ ने मंगलवार को बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक राहुल आनंद के घर में आग लगा दी, लूटपाट की। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इस हमले से पहले ही राहुल आनंद अपने परिवार के साथ भाग निकले थे। इसके अलावा मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर सलीम खान और उनके बेटे एक्टर शांतो खान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जोशोर जिले में जाबिर इंटरनेशनल होटल में उपद्रवियों की भीड़ ने आग लगा दी थी। ये होटल आवामी लीग के नेता शाहीन चकलदार का था। उपद्रवियों की आगजनी में 24 लोगों की जलकर मौत हुई है। मरने वालों में एक इंडोनेशियाई नागरिक भी शामिल है। सभी लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। ये मामला मॉब लिंचिंग का बताया जा रहा है, जहां बांग्लादेश के मशहूर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान इस तरह फंस गए कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सोमवार 5 अगस्त को सलीम और शांतो अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी बलिया यूनियन के फरक्काबाद बाजार में गुस्साई भीड़ उनके सामने आ गई। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पिस्टल से गोलियां भी चलाई, लेकिन पासी के बगरा बाजार में उनका सामना फिर से भीड़ से हो गया। बताया जा रहा है कि वहां पर गुस्साई भीड़ ने सलीम और उनके बेटे शांतो की पीट पीट कर हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार भीड़ ने राहुल आनंद के 140 साल पुराने इस आवास को लूटने के बाद जला दिया। इस लूटपाट और आगजनी में उनके 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बर्बाद हो गए, जिनमें से कई को उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। राहुल आनंद गीत बैट जोलोर गान चलाते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। इस बीच देश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के जमात इस्लामी ने स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में आवामी पार्टी के नेताओं को भी मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। अधिकारी हों या जज, मौजूदा समय में वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है।